अपने ओपनर से भेजने। बैट्समैन कौन कौन है उनका? मत करना आगे, कुछ मत बोलना, दो सौ देना, चले जाना। हाँ हाँ का बार बार कौन? हाँ हाँ बस 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 पहुँच गया। बैट्समैन कौन? दोनों ओपनर्स आ चुके हैं, मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। आफताब अंसारी, इस बात का ध्यान देना है 25 मिनट में 5 ओवर पूरे करने। इमरान भाई वहाँ पानी भेजो, गन्ने को बोल दिया जाके अपनी जगह सो जा रहे हैं। बॉलर कौन है? बॉलर है रसल, हसन रसल। पहला ओवर लेकर आ रही है रसल। नरेश ए शेबो, पहली गेंद रशल की, अच्छी गेंद थी, बैकलीफ को नीचा रखा था, एक रन पूरा किया। गेंद लॉन्ग ऑफ पर, एक की मदद से खाता खुला ओमकार का। समय के लिए वो कॉपरेट करना है प्लीज हलीम स्पोर्ट्स। असल की ये गेंद दिशा दी थी गेंद को, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है हलीम ने, और पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हार कर ओमकार स्पोर्ट्स। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे गेंद को, बीट हुए बैट्समैन। इसके बाद आप देखेंगे नरेश, इस मैच में आप देख रहे हैं नरेश जम्पाल को एक्शन में नजर आएंगे, संदेश वखारे के खुसूसी मेहमान और दोस्त। इस मरतबा स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी और आउट हो गए बैट्समैन। सोनू के रूप में पहला झटका लगाया ओमकार को। नए बैट्समैन को तैयार रहना है क्योंकि समय कम है, सभी टीमें इस बात का ध्यान दें। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ओमकार स्पोर्ट्स खेल रही है। कारण ये कि बहुत इत्मीनान से क्रिकेट खेलती है और बहुत आराम के साथ खेलना चाहती है, और ऐसी स्थिति में अगर आप खेलते रहेंगे तो आगे आपकी कठिनाइयां बढ़ सकती है, क्योंकि 25 मिनट का जो कैलकुलेटेड टाइम दिया गया उसमें हलीम को 5 ओवर पूरे करने, उसके बाद आपको भी 25 मिनट ही दिए जाएंगे। नए बैट्समैन को तैयार रहना है ओमकार के कैप्टन
समय कम है, हर टीम अपना एक टूर्नामेंट करवाती है। इस मरतबा अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई थी, रूम नहीं दे पाए थे अपने आप को बीटवे डॉट गेंद। विशाल पहली गेंद का सामना किया डॉट के रूप में, हालांकि अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की। रसल किए गेंद, बढ़िया डाइव लगाई थी वहां पर, झोंक दिया था अपने आप को, और अगर ये कैच ले लेते तो इस स्पर्धा का बहुत खूबसूरती के साथ पहला ऐसा कैच होता जो लिया जाता। दिलशाद थे वहाँ पर, सॉरी इम्तियाज थे। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है हलीम स्पोर्ट्स। जब वो उड़े थे तो मुझे ऐसा लगा था सामने तालाब नज़र आ रहा है, अच्छी गोता लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से चिटक गई थी। दूसरा ओवर लेकर आ रही गेंदबाज दिलदार। पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है रसल ने, सिर्फ 3 रन खर्च किए, एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है। दिलदार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दिलदार की पहली गेंद वाइट घोषित किया अंपायर दिलशाद ने। दिलदार की गेंद आगे की तरफ, गेंद को रखा था वी की शक्ल में, गेंद को खेला है मिड ऑन पर, एक रन, एक की मदद से स्कोर जा पहुंचाए 5 पर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है ओमकार स्पोर्ट्स। हलीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था वो अभी तक सही साबित हुआ है हलीम के लिए। इस मरतबा पटकी गेंद, हुक किया गेंद को, गेंद तो हाथों में आ चुकी थी लेकिन अपने आप को नहीं रोक पाए थे, गेंद गई उनके साथ साथ जालियों पर और 6 रन। हालांकि कैच बहुत अच्छा लिया था अबू साद ने, जिन्हें प्यार से लोग कुछ और भी कहते हैं जिसे हम माइक पर नहीं कह सकते वरना उनका दिल दुखेगा। असल में उन्हें कहा भी बहुत अजीब नाम से जाना जाता है। अच्छी कैच ली थी, अपने आप को जज नहीं कर पाए थे, जालियों से जा लगे और 6 रन। अनवर निर्माण भी उस ओर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत हड्डियों के बेताज बादशाह अनवर निर्माण, और उनकी टीम अच्छा खेल रही है आज। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है कवर की दिशा में मिसफील्ड, दूसरे के लिए पलटे बैट्समैन और तेज कदमों से 2 रन पूरे करते हुए टोटल रन हो चुके हैं 13। ओमकार स्पोर्ट्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आप देख रहे हैं जीएम ट्रॉफी 2018 इमरान अंसारी की देन। इस मरतबा अच्छी गेंद, दूर से खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल में गेंद को रखा था पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन डॉट गेंद। दूसरा ओवर कहीं ना कहीं थोड़े महंगे जरूर साबित हुए क्योंकि अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं दिलदार। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, पिछले पांव पर जाकर गेंद को खेला है कवर में। प्रकाश ने जो मिसफील्ड की थी उससे थोड़ा सा परेशान जरूर थे, एक की मदद से स्कोर 14 पर जा पहुंचा है ओमकार स्पोर्ट्स का। हालांकि सबसे बड़ा अपसेट आज ये हुआ है कि बड़ी बड़ी टीमों को सीनियर में चने के लोहे चबवाने वाली HS एक तरफा मुकाबला आ रही है लेट बंटी, सॉरी बंटी जूनियर से।
حالانکہ بہت اچھی گیند بازی کی تھی ان کے گیند بازوں نے، لیکن جو رن تھے وہ بہت کم بنے تھے۔ دو اوور کی سماپتی کے بعد 15 رن بنے۔ بولو اور۔ حالانکہ آج شکیل کباٹ والا کی فین ٹیم نے بہت اپ سیٹ کیا ہے شکیل کباٹ والا کو، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی پکچر میں شروع سے، اور کارن یہ تھا کہ ان کی ٹیم پہلا مقابلہ ہار گئی۔ تیسرا اوور لے کر آ رہے ہیں گیند باز کلیم، یہ اچھے گیند باز ہیں، گیند آگے کی طرف رکھیں، چھوٹے قد کے گیند باز ہیں لیکن ان کی گیندوں میں کافی دمخم ہے، اور ان کا چل جانا حلیم کے لیے اچھی بات ہوگی۔ پہلی گیند کلیم کی تیز ترار گیند گرنے کے بعد بیٹ سی گئی تھی بی ٹو اے بیٹس مین۔ حالانکہ ہم سے ودا لے رہے ہیں شکیل کباٹ والا، کیوں نہ لیتے، کیونکہ ان کی ٹیم نے ان کا دل آج دکھایا ہے۔ اس مرتبہ کافی باہر وائٹ گھوشت کیا امپائر آفتاب نے، اپنی دشا سے بھٹکے کلیم، ایک اچھی گیند ایک خراب گیند۔ یہ دیکھیے ابو سعد کچھ پھنسا ہے، اس مرتبہ بلے کے ٹاپ ایج اور آؤٹ ہوئے بیٹس مین۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ گیند باز کافی اچھے ہیں، تیز ترار گیند باز گیند بازی کرتے ہیں، اور ان کے پاس سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے یہ چھوٹے، ان کی گیندیں زیادہ نہیں اٹھتی اور بیٹس مین کو اٹھا دیتی ہے۔ حالانکہ بالی ٹرافی میں کچھ الگ کرنے اترے گی سلام اسپورٹ، فارم تو بڑھ چکی ہے لیکن دیکھنا ان کی قسمت ان کا لارڈ میں ساتھ دیتی یا نہیں۔ ایک سال کے بعد ایک سن میں کلیم گیند بازی کرنے کے لیے تیار، سامنا کریں گے بیٹس مین اوی۔ اب اومکار کی کٹنائیاں بڑھ رہی ہیں، اس مرتبہ چھوٹی بیک لیف کا استعمال، بہت خوبصورت فیلڈنگ کلیم کی، کوئی رن نہیں، اچھی گیند بازی کر رہے ہیں۔ ایک تین گیندے اب تک کر چکے ہیں، صرف ایک رن وائٹ کے روپ میں خرچ کیا ہے۔ اس مرتبہ اچھی گیند تھی، شارٹ تھرڈ مین پر بڑھیا فیلڈنگ، یہ دیکھیے وہاں پر ابو سعد تھے، دو رن پورے کیے۔ دو رن کی مدد سے اسکور 18 پر جا پہنچا ہے اومکار کا۔ حلیم نے جو گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کلیم اس مرتبہ کافی باہر لیک اسٹمپ کے وائٹ گھوشت کیا امپائر نے۔ یہ کلیم کی عادت رہتی کہ وائٹ گیند کرنے کے بعد مسکراتے ہیں، اور آج سے نہیں زمانے سے مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب دیکھنا ہے مسکرائی ہوئی گیند بازی کس طرح سے کرتے ہیں کلیم۔ کلیم کی یہ گیند، گیند کو چوپ کیا ہے کور میں، انور نربان موجود ہیں، بڑھیا فیلڈنگ، دوسرے کے لیے پلٹے، دو رن پورے کیے بیٹس مین نے۔ دو رن کی مدد سے اسکور 21 پر جا پہنچائے۔ اس مرتبہ اچھی گیند، بلاک ہول میں گیند کو رکھا تھا، بیک لیف کو نیچا کیا، ایک رن پورا کیا، حیدر وہاں پر موجود تھے مڈ آف پر۔ تین اوور کی سماپتی کے بعد ٹوٹل بنے 22۔
दो विकेटों के नुकसान पर ओमकार स्पोर्ट्स। आइए आगे की कहानी संदेश वखारी की जुबानी। तर तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफळकर धावा आपण ओंकार फाउंडेशन या संघाच्या 22 पाहतोय। आता मात्र चौथं षटक घेऊन पाहूया कोणता गोलंदाज येतोय। हैदर येतोय, पाहूया हैदर कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी। त्या दरम्यान मात्र आपण दोन गडी बाद धावसंख्या 22 पाहतोय ओंकार स्पोर्ट या संघाची। षटकात दिला पहिला चेंडू, त्यावेळेस मात्र पहिला चेंडू आडवे बॅटने खेळून काढतोय। बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क झालेला नाही आहे। एक धाव पूर्ण, एकापेक्षा अधिक काही एक नाही। धावसंख्या मात्र एकने पुढे सरकते। धावसंख्या धावफळकर आपण 23-23 पाहतोय। नक्कीच चांगली कामगिरी या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाजांमार्फत। नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर हालिम स्पोर्ट या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना दिसून येतोय। जो निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा तो आत्तापर्यंत अचूक ठरतोय। एक योग्य निर्णय म्हणता येईल कारण आपण चौथं षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्या 2-23 पाहतोय। एक शांत शांत सुरुवातीनंतर मात्र शांत क्रिकेट पाहतोय ओंकार स्पोर्ट या संघाचा। तर चला पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे वळतोय। क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडं बदल केला जातोय, त्याचं कारण म्हणजे डावखुरा फलंदाजा पुढील चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय। यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परिपूर्ण बीट होतोय त्या ठिकाणी फलंदाजा। बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नव्हता। चेंडू मात्र निर्धावच्या स्वरूपात यष्टरक्षक कलेक्ट करतोय सुरेख चेंडूची फेकी करतोय। आतापर्यंत गोलंदाजा हैदर षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय। यावेळेस मात्र एक अचूक टप्प्याचा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा भेट होतोय फलंदाजा। बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय। हेरदन हैदर या गोलंदाजाच्या माध्यमातून नक्कीच सुरेख कामगिरी करतोय। धावसंख्या स्थिर पाहतोय 23। हैदर वळतोय, यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे। झेलकाली क्षेत्ररक्षक अप्रतिम झेलाना फलंदाज मात्र बाद होतोय। एक सुरेख झेल टिपला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक साजिद याने आणि फलंदाजाला मात्र परतावं लागतंय। अखेरचा फलंदाजा गावे या ठिकाणी परततोय तंबूच्या आश्रयाखाली। आपण नाजूक स्थितीत पाहतोय ओंकार स्पोर्ट या संघाला।
हैदर पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाजाची शारीरिक भाषा ओलकून टाकलेला हा चेंडू. जसं पाहिलं की फलंदाज पुढे सरसावतोय. चेंडूची लेंथ कमी केली होती. एक अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू आताला होता आणि बॅटने बॉलमध्ये हवा तसा संपर्क नव्हता. एकच नक्कीच कोणत्याही प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर. निर्धाव गेला चेंडू. हैदर वालतोय अवीसाठी. यावेळेस मात्र सुरेख स्ट्रेट ड्राईव्ह. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंगांच्या मध्ये अडवला जातोय. त्या दरम्यान एक धाव, एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. तर षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावफलकार धावा पाहतोय. त्या म्हणजे 24 चार षटकाची समाप्ती झालेली आहे. नक्कीच मात्र नाजूक स्थितीत पाहतोय आपण ओमकार स्पॉट या संघाला. खास करून या षटकाचा जर विचार केला तर आपण हैदर या गोलंदाजाला दोन धावा खर्च करताना पाहिलं. नक्कीच वेळेसंदर्भात थोडं भान असू द्या. सहकार्य करायचं आयोजकांना. अजूनही काही सामने खेळवायचे शेष आहेत. तर गोलंदाज कलीम वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक पाचवं षटक घेऊन. यावेळेस मात्र सुरेख फटका. चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव देखील पूर्ण. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांमध्ये परिणामस्वरूप दोन धाव पूर्ण झाल्या. कलीम यावेळेस मात्र क्लिक केलाय चेंडूला. नक्कीच डीप मिडकडला उभा असलेला क्षेत्ररक्षक प्रकाश चेंडू अडवतोय आणि फेकी करतोय. त्या दरम्यान दोन धावा पूर्ण. कलीम यावेळेस मात्र एका चूक टप्प्याचा चेंडू. निर्धाव जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर. एक वेगवान चेंडू आतलतो त्या ठिकाणी. कलीम हा गोलंदाज आपण धावसंख्या स्थिर पाहतोय. ती म्हणजे 28. तीन गडी बाद झालेल्या आहेत आतापर्यंत. यानंतर मात्र या षटकाच्या समाप्तीनंतर भाऊ स्फोट आणि महंत स्फोट संघाचं सांगणं आहे. आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षासमोर यायचं आहे. तर पुन्हा एकदा दोन धाव पूर्ण. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेटचं प्रदर्शन आपण या ठिकाणी पाहतो. या दोन्ही फलंदाजांमार्फत पुन्हा एकदा दुसरी धाव पूर्ण झाली. धावसंख्या मात्र आता 30. कलीम बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र एक खराब चेंडू हाताळतोय गोलंदाज कलीम. व्हाईटच्या स्वरूपात अवंतर धाव ओमकार स्फोट या संघाला. अवंतर धावेशी धावसंख्या 31 झालेली आहे. आपण तीन महत्त्वपूर्ण गडी बाद झालेले पाहतोय. धावसंख्या 31 असताना ओमकार स्फोट या संघाची. कलीम यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. झेलखाली क्षेत्ररक्षक झेलच्या स्वरूपात अवी याची खेळी संपुष्टात. अवी एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात झेलच्या स्वरूपात बाद झाला. कलीम षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडू भिडकावून दिलाय पाहूया आणि सरळ सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. तर शेवटच्या चेंडूवर षटकार पाहिला आपण. षटकार अशी धावसंख्या 37 झालेली आहे. 38 धावांचं आव्हान असणार आहे. हालिम स्फोट या संघाला. तर पाहूया या 38 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करतोय हालिम स्फोट हा संघ. किती उलट एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी होते का ओमकार स्फोट या संघाकडनं.
त्या दरम्यान भाऊ स्फोट संघाचा संगणक या ठिकाणी आलेला आहे. महंत स्फोट संघाचा संगणक आपण देखील यायचे. यापुढे होणारा सामना महंत स्फोट आणि भाऊ स्फोट या दोन संघादरम्यान असेल. जयेश भालेराव फॅन टीम महंत स्फोट या संघाला आपण या ठिकाणी ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. तर जयेश भालेराव आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हा सामना सुरू होण्याआधी जर आले नाहीत तर नक्कीच दोन धावांच्या पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. तर दोन्ही संघाचे संगणक या ठिकाणी आलेले आहेत. महंत स्फोट संघाचा संगणक त्याचबरोबर भाऊ स्फोट संघाचा संगणक या दोन संघादरम्यान नाणेफेकी होईल. तर नाणेफेकीचा कौल महंत स्फोटकडे लागलाय. आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तर आमंत्रित केलंय भाऊ स्फोट या संघाला फलंदाजीसाठी. मात्र दरम्यान सामन्याला सुरुवात होईल. ज्यावेळेस मात्र सामन्याला सुरुवात होईल त्यावेळेस मात्र या सामन्याचं धावतं विवरण आपण इफ्तिकार अन्सारी याच्या आवाजानं ऐकणार आहोत. नक्कीच सुरेख आवाज भिवंडी तालुक्यातील इफ्तिकार अन्सारी. 37 धावा धावफलकर आपण पाहिल्या. ओंकार स्फोट या संघाच्या 38 धावांचं पाठलाग करण्यासाठी पाहूया कोणते फलंदाज येतात सलामीसाठी. त्या दरम्यान मात्र आपण मायक्रोफोनवर बदल करूया. ओ टू इफ्तिकार अन्सारी. महंत की कैप्टन और भाऊ स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है. अड़तीस की चुनौती है हलीम स्पोर्ट्स को. बस बस तीन ओमकार आपको अपनी फील्ड सजानी है. समय के लिए कॉपरेट करना है. अंपायर आफ्ताब अंसारी. मैच की शुरुआत करनी है. पहली गेंद सेफ लैंडिंग. एक रन पूरा किया बैट्समैन ने इम्तियाज ने. 38 के लक्ष्य का पीछा कर रही है हलीम स्पोर्ट्स. रसल है स्ट्राइक पर. अभी किए गेंद छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल किया. गेंद पॉइंट में एक पूरा किया दूसरे के लिए गए.
अजीबोगरीब थ्रो करना चाहते थे दो रन पूरे। इस मरतबा चौप किया था गेंद को दूसरे के लिए पलटे, बहुत खराब थ्रो तीसरे के लिए जा रहे हैं, एक खराब फील्डिंग चौथे के लिए पलटे बैट्समैन रसल और चार रन पूरे किए। चार रन पूरे किए थे बैट्समैन ने, सात हो चुके। इस मरतबा रिवर्स स्वीप किया है गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा हो सकता है, आउट हो गए बैट्समैन। नहीं नए बैट्समैन जाकिर आए हैं बल्लेबाजी को, सामना कर रहे हैं अवी का। गेंद के आने का इंतज़ार किया था, गेंद गली में एक रन पूरा किया जाकिर ने। टोटल रन हो चुके हैं 9। हलीम स्पोर्ट्स 38 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। आप देख रहे हैं जीएम ट्रॉफी 2018 का आज का पांचवा मुकाबला हलीम स्पोर्ट्स बनाम ओमकार के बीच में। इस मरतबा शॉट अंपुल, हालांकि कैच हो सकता था, एक रन पूरा किया है वहां पर रसल ने। अब जाकर एक ओवर की समाप्ति हुई और टोटल रन बने 10। अभी भी जीतने के लिए बची हुई 24 गेंदों में 28 चाहिए हलीम स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है ओमकार स्पोर्ट्स, आपको तुरंत अपनी फील्ड सजानी है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं तुषार। दस रन बनाए हलीम स्पोर्ट्स ने, शुरुआत बहुत अच्छी रही है हलीम की, हालांकि एक विकेट जरूर गवाया है। आउट होने वाले बैट्समैन थे इम्तियाज़, जाकिर और रसल अभी भी विकेटों पर मौजूद हैं। स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन रसल, नॉन स्ट्राइक पर हैं जाकिर। तुषार की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगकर गेंद गई थी शॉट थर्ड मैन पर, एक रन पूरा किया। बहुत खराब फील्डिंग दो पूरे किए, खराब थ्रो किया है वहां पर, तीन रन पूरे करते हुए बैट्समैन जाकिर और रसल।
ओमकार कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि पिक्चर में नज़र आ रही है। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, भावी स्पोर्ट्स बनाम महंती स्पोर्ट्स, उसके बाद हमीद स्पोर्ट्स बनाम विक्टोरियन, उसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे नवाबिया अंदाज में, नवाब दो दो हाथ लेगी इंडियन इलेवन से। इस मरतबा और ऑन दी लेग से खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो गए बैट्समैन जाकिर, इनका भी फॉर्म कहीं घूम गया है, भिवंडी की सरजमीन पर, और उसे ढूंढने में एक साल लग चुका है अब तक, उनका परफॉर्म उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। नए बैट्समैन प्रकाश आ रहे हैं बल्लेबाजी को, हालांकि फील्डिंग बहुत ख़राब की आज प्रकाश ने, जिसके कारण 8 रन ओमकार को ऐसे ही मिले। इसके बाद आप देखेंगे भावी स्पोर्ट्स बनाम महंती स्पोर्ट्स के बीच में कांटे की टक्कर, जहां पर टॉस को जीता है महंती स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दिलशाद समय का ख्याल रखना है, दिल को शांत कर देने वाली अंपायरिंग करनी है। दिलशाद चौधरी तुषार की ये गेंद, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, सम्मान दिया था। ये देखिए एक समय तो ऐसा लगा कि प्रकाश टेस्ट मैच खेल रहे हो, जिस तरह से स्ट्रोक खेला था। राइट आर्म और द विकेट प्रकाश तुषार, इस मरतबा बीमार नहीं बीमार, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन नो घोषित किया है अंपायर ने, 5 रन मिले और फ्री हिट भी मिला है तुषार को, 5 की मदद से स्कोर 18 पर जा पहुंचा है, सिर्फ 20 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आप ओमकार को देखें कितनी अच्छी टीम थी, एक टीम बनी थी बंटी, अच्छा खेल रही थी, दो टीम बनाकर महसूस कर रहे हैं अभी। फ्री गेंद लॉफ किया, गेंद को गेंद हवा में, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, 2 रन पूरे, 20 हो चुके हैं हलीम स्पोर्ट्स के। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं शुरू से हलीम स्पोर्ट्स की, संत और संत के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी थी, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने, रनों की संख्या 21, 2 विकेटों के नुकसान पर। जाकिर और इम्तियाज के रूप में झटका लगाए, इस मरतबा फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और आउट हुए बैट्समैन रसल। दो ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छी शुरुआत हलीम की, 21 हो चुके हैं, मुकाबला जीतने के लिए 17 चाहिए बची हुई 18 गेंदों में। नए बैट्समैन आकिफ आ रहे हैं, तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं यशपाल। समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है ओमकार स्पोर्ट्स, आपको तुरंत अपनी फील्ड सजानी है। ये देखिए अनोर निर्बान पानी लेकर कान मंत्र देने के लिए ग्राउंड पर उतरे। क्योंकि जब ये मुस्कुराते हैं तो
सिर्फ 32 नज़र आती है, बाकी इनका कलर तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं दिलशाद और अंपायर आफ्ताब अंसारी। दो गेंदे वाइट की हैं, दो डॉट गेंदे की हैं गेंदबाज। इस मर्तबा किया गेंद को 6 रन। इस छक्के की मदद से करना इतनी अच्छी चल रही थी, क्या किया तो फिर ये क्यों बंद हो गया? बंद क्यों है? चालू तो है, आवाज कर क्यों इतनी रहने दे, एकदम मस्त चल रहा था। हां जी बढ़िया आ रहा वाला अच्छी चल रही है बेटा। इस छक्के की मदद से एक मार तबा एक बार फिर पावरफुल 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आकिफ, दो पे दो दे डाले और सिक्सर की हैट्रिक पर हैं बैट्समैन आकिफ। टोटल रन हो चुके हैं 35, 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। हैट्रिक लगाते हैं, पहले बैट्समैन बनेंगे। इस मरतबा पुल पावरफुल और हैट्रिक सिक्सर लगा दिया है बैट्समैन आकिफ ने और मुकाबले को जीत लिया है हलीम ने। पहले बैट्समैन बने आकिफ जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक पूरी की है जीएम ट्रॉफी 2018 में। कॉन्ग्रेचुलेशन हलीम स्पोर्ट्स अनवर निर्बान अबू साद उर्फ अन्ना एंड हार्ट लक ओमकार स्पोर्ट्स। अभी हमारे साथ नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन जुड़ चुके हैं, आपका दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं।